बॉलीवुड क्वीन राखी सावंत की परेशानी बढ़ती जा रही है। हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली राखी अपने पुराने बयान की वजह से मुश्किल में पड़ गई है। हाल ही में आदिल खान के साथ शादी करने वाली राखी सावंत को अब मुंबई की अम्बोली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि शर्लिन चोपड़ा द्वारा दर्ज कराए गए एक पुराने मामले पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए राखी सावंत को पूछताछ के लिए बुलाया है। शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के गिरफ्तार होने की जानकारी एक ट्वीट के जरिए साझा की। अम्बोली पुलिस ने FIR 883/2022 के संबंध में राखी सावंत को गिरफ्तार किया। कल राखी सावंत के ABA 1870/22 को मुंबई सत्र अदालत ने खारिज कर दिया। बता दें कि राखी सावंत पर आरोप है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले शर्लिन चोपड़ा का आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल किया था, जिसके बाद शर्लिन ने पुलिस में राखी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद अम्बोली पुलिस ने मामले में राखी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल मुंबई की सेशन कोर्ट ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 8 नवंबर 2022 के दिन मैंने अम्बोली पुलिस स्टेशन पर राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके आधार पर तत्काल अम्बोली पुलिस ने FIR दर्ज की राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। हुआ यह था कि राखी सावंत ने मीडिया को बुलाकर मेरे कथित आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि उसके पास और भी कई सारे वीडियोस हैं, फोटोज हैं, जो वो आने वाले समय में दिखाना चाहेगी। मुंबई पुलिस ने राखी की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा? शर्लिन चोपड़ा की शिकायत पर पुलिस ने ये एक्शन लिया। राखी सावंत पर IPC और IT एक्ट के तहत धाराएं लगाई हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा का एक आपत्तिजनक वीडियो दिखाया और साथ ही साथ अभद्र टिप्पणी भी की। वहीं जब पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद राखी से बात करने की कोशिश की गई, तो राखी मीडिया से बात करने से बचती दिखी। राखी सावंत इन दोनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। राखी ने खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले साल आदिल से शादी की थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपने मैरिज सर्टिफिकेट की तस्वीर शेयर की, जिसमें दिखाया गया कि शादी 29 मई 2022 को हुई थी।